Thursday media or special guest ke liye bhi chalega. Some launches will happen as well. The total ground area of this exhibition is 235,000 square meter, करीब करीब 58 एकड़ जमीन के ऊपर है. इसमें से इंडोर बिल्टअप एरिया जो है 51,000 स्क्वायर मीटर जो कि ग्रॉस है, विच इज एक्चुअली अगर स्क्वायर फीट में करेंगे तो 5,10,000 स्क्वायर फीट है. अदर फैसिलिटीज जिसमें ऑर्गेनाइजर ऑफिस होगा, प्रोटोकॉल लाउंज है, रेस्टोरेंट है, आप लोगों के लिए मीडिया लाउंज है, ये सब मिला के करीब 9,000 स्क्वायर मीटर है. और आउटडोर ओपन एरिया में भी करीब 50,000 स्क्वायर मीटर एरिया है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी एरिया होगा, फूड स्टॉल्स होगा. तो ये कुछ 2018 का ग्लिम्सेस है जबकि करीब 80 आगे हुआ था. हमारे इसके साथ कुछ कुछ कॉन्करेंट इवेंट्स भी होता है जैसे कि स्टाइलिंग एंड डिजाइनिंग, ऑटो फिट, डायलॉग, उस सब का कुछ ग्लिम्सेस है. टेक्नोलॉजी शोकेस पिछले साल भी हुआ था बट इस बार हम और भी टेक्नोलॉजी शोकेस ज्यादा वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट मच मोर. डिजिटल एंगेजमेंट के लिए इस बार भी हमारे पास VR होगा, वर्चुअल रियलिटी. कार्टिस्ट आप लोगों ने पिछले बार भी देखे हैं, इस बार भी वो कार्टिस्ट लोग आए हैं और दे विल बी शोकेसिंग देयर आर्ट. लाकी ड्रॉ जो कि जो टिकट होल्डर्स हैं उनके लिए लाकी ड्रॉ होता है, तो इस बार भी लाकी ड्रॉ होगा. एक हुंडई ओरा और एक मारुति इग्निस लाकी ड्रॉ में मिलेगी. उसमें सिर्फ 30% जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो देना पड़ता है, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की जो खर्चा है वो जिनको मिलेगा उनको देना पड़ता है, बाकी गाड़ी फ्री होती है. इसके अलावा मोटरसाइकिल्स भी हैं जिसमें सुजुकी का कुछ गाड़ियां हैं जो कि लाकी ड्रॉ में मिलेगी. पिछले बार भी सेलिब्रिटी का विजिट था, इस बार भी हम आशा करते हैं कुछ सेलिब्रिटी आएंगे. और टॉप मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपनीज से हर बार जैसे आते हैं, इस बार भी हम आशा करते हैं कि बहुत सारे ऐसे एमिनेंट पर्सनैलिटी को देखने को मिलेगा जो सारे ऑटो कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट में हैं. सो दिस इज द टोटल वेन्यू दिस टाइम. हम इस बार जो स्टेलर जिमखाना की साइड है वो वाला गेट हम इस बार नहीं खोल रहे हैं क्योंकि मेट्रो स्टेशन आ गया है, तो हम आशा करते हैं कि ज़्यादातर लोग मेट्रो से आएंगे. तो गेट नंबर 1 जो कि सिर्फ VIP एंट्री के लिए था, इस बार वो भी खुलेगा पर पब्लिक एंट्री. गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 5, ये 4 गेट हैं जहाँ से पब्लिक एंट्री होगी. ये है थोड़ा सा शेड्यूल. इसमें हमारा इस बार 5 तारीख को मीडिया सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, शाम को 8 बजे तक है, थोड़ा सा पहले खत्म होगी शायद 8 से. और ओपनिंग जो गीता जी को है शाम 5 बजे. मीडिया और स्पेशल गेस्ट के लिए भी चलेगा. सम लॉन्चेस विल हैपन एज वेल. इस बार हमने क्या किया है, हर एक दिन को एक अलग अलग डे के नाम से, आधा दिन जनरल विजिटर के लिए, फिर इस बार 7 तारीख को टोटली बिजनेस विजिटर है. उसके बाद से एवरी डे इट विल बी फॉर पब्लिक सिंस मॉर्निंग. और इस बार जो है, पिछले बार क्या था कि 10 बजे से हमारा शो शुरू होता था, इस बार हमारी शो 11 बजे से शुरू होगी लेकिन शाम को चलेगी 6 बजे के बदले 7 बजे तक. खाली वीकेंड जो है उसमें 8 बजे तक चलेगी, सैटरडे और संडे. लास्ट डे को केवल 6 बजे तक शो है क्योंकि उस दिन लोगों को रैप अप करने की टाइम चाहिए होता है, और उस दिन दैट इज 12 तारीख को 6 बजे तक है. तो हमने जैसे आपको बताया 7 तारीख को इंटरप्राइज डे है, वीकेंड्स जो है उसमें फैमिली डे है, मंडे को हम वुमेन्स डे पालन कर रहे हैं, ट्यूजडे को एक्सपीरियंस डे है और लास्ट डे को ग्रीन डे के हिसाब से हम उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये थोड़ा सा उसका शेड्यूल और ज़्यादा है. हम 70+ लॉन्चेस
कल ही हमारी जो मेजर कंपनीज हैं उन्हीं आशा कर रहे हैं, इसके सिवाय भी देयर विल बी छोटे जो कंपनीज हैं जो स्टार्टअप्स हैं।